चाइनीज ऐप पर इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक अभी भी जारी है। पिछले महीने ही इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था और अब चार और चाइनीज ऐप इस लिस्ट के अंदर शामिल हो गए। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इस बार चार और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, यानी अब आपको अपने फोन से इन चारों ऐप्स को भी डिलीट करना होगा। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट अगले कुछ दिनों के अंदर और भी कुछ ऐप्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो आज के इस टिकटॉक के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से चार ऐप्स हैं जो आपको अपने फोन से डिलीट करने पड़ेंगे, और साथ ही आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐप्स हैं जिन पर गवर्नमेंट अगले कुछ दिनों के अंदर एक्शन ले सकती है। सो इफ यू वांट टू नो, देन वॉच दिस स्पेस। वैसे जब ये बैन लगा था तब सबको लगा था कि ये सारे चाइनीज ऐप्स देर सवेर वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे बैन पहले भी लगते रहे हैं और उसके बाद हट भी जाते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट के एक्शन को देखने के बाद तो यही लगता है कि ये बैन पिछले बैन की तरह नहीं है, और इस बार गवर्नमेंट इन ऐप्स को लेकर काफी सीरियस है। इसीलिए तो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भी सरकार रुक नहीं रही है, और बल्कि उन्होंने तो चार और चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। और यही नहीं, आने वाले कुछ समय के अंदर सरकार कुछ और ऐप्स को बैन करने के बारे में सोच रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो चार चाइनीज ऐप्स कौन से हैं जो पिछले महीने ब्लॉक किए गए 59 चाइनीज ऐप्स की लिस्ट में नहीं थे और सरकार ने उनको अब बैन कर दिया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे सरकार कौन कौन से ऐप्स पर एक्शन लेने वाली है। अब जिन ऐप्स को सरकार ने बैन किया है उनमें सबसे पहले है हेलो लाइट। ये हेलो ऐप का लाइट वर्जन है और 59 बैंड ऐप्स की लिस्ट में ये शामिल नहीं था। हेलो लाइट ऐप प्ले स्टोर पर काफी दिनों तक मौजूद था और लोग इसे अपने फोन में यूज भी कर रहे थे, लेकिन अब इस ऐप को भी ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। दूसरा ऐप जिसे बैन किया गया है वो है शेयर इट का लाइट वर्जन, शेयर इट लाइट। आई डोंट नो हाउ, लेकिन ये ऐप भी हेलो लाइट की तरह ही बच गया था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की पकड़ में आ गया है और अब इसे भी ऑफिशियली बैन कर दिया है और इसे देश के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अगर आपके फोन में ये दोनों ऐप्स है तो आप जल्द से जल्द इन दोनों ऐप्स को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट इन लाइन इज बीगो लाइट। बीगो मेन ऐप को गवर्नमेंट पहले ही बैन कर चुकी है, पर इस बार इसके लाइट वर्जन का बैन बचा है। एंड लास्ट इज VFY लाइट। तो ये थे वो चार चाइनीज ऐप जिन पर गवर्नमेंट बैन लगा चुकी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट यही रुकने वाली नहीं है, बल्कि कुछ और ऐप्स पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए आप जानते हैं कि वो कौन से ऐप्स हैं जिन पर शायद से एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि MV मास्टर, एली एक्सप्रेस, ऐप लॉक और टर्बो VPN। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के रेडार पर इनमें से कोई ऐप्स आने वाले हो, या इनके अलावा भी कोई ऐप्स हो सकते हैं जो इंडियन यूजर्स का डेटा चुरा रहे हो। वैसे चाहे इन बचे हुए ऐप्स पर एक्शन लिया जाए या किसी और ऐप पर एक्शन लिया जाए, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार गवर्नमेंट किसी भी डेटा चुराने वाले चाइनीज ऐप्स को बचने का मौका नहीं देने वाली है। तो इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जिनके फोन पर ये ऐप है वो इन चारों ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दें, क्योंकि बैन आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इसको कर चुकी है। एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।